ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर यू आर, यस सर यू आर ऑडिबल। हाँ दैट्स गुड। ओके मैम यू आर ऑल्सो ऑडिबल एंड वेरी क्लियर, थैंक यू। सो व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस? इट्स इन ओनली इंग्लिश, बाइलिंगुअल और हिंदी? विच वन यू प्रेफर? लेट मी सी द हिंदी हाँ समझ हिंदी गया सर। सर। हाँ समझ गया समझ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि भाषा जो है उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी जो हम डिस्कस करें वो समझ में आना चाहिए अच्छे से, बस इतना चाहिए। तो अभी हम बायोलॉजी की बात करेंगे, और इसमें कौन से टूल्स आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं? वैसे आप बहुत सारे टूल यूज करते होंगे, उनको थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन करेंगे, किस किस तरह का कंटेंट हमारे पास में होता है और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आप लोग भी साथ साथ में थोड़ा ट्राई करेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा रहेगा, जो भी कुछ ट्रबल शूट है वो पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, मेरा वैसे प्रेजेंटेशन तो कोई खास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, तो वो मैं वहां से शुरू करूंगा ताकि आप एक आइडिया हमें हो जाए कि हम किस किस इस तरह का कंटेंट जो है वो हम शेयर करते हैं। ओके, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? कोई बता सकते हैं कि मेरा स्क्रीन आपको दिख यस रहा है? सर, यस सर, इट इज ओके विजिबल। हाँ दिख ओके, रहा है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं थोड़ा कैमरा बंद कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो कनेक्टिविटी अच्छी है, पर फिर भी कनेक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ। तो इसमें हम कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे, बस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि किस किस तरह का कंटेंट हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और जब हम दूसरा, जैसे कि हमारा स्पेशल आज ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी में भी रहेगा, तो उसमें हमें क्या फर्क जो है वो दिखता है। तो पढ़ाने के लिए हम डॉक्यूमेंट का यूज भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में रहते हैं। ओके, जिसमें कि पीडीएफ की हम बात करें, या पीपीटीज की बात करें, स्प्रेडशीट की बात करें, या फिर ईपब की हम बात करें। और ईपब हमें पता है कि ये काफी इंटरेक्टिव और एक बहुत अच्छा मीडियम, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो ईपब है, क्योंकि जब आप लोग भी वीडियो, जब कुछ और कंटेंट शेयर करते होंगे, अगर वो किसी रिपोजिटरी पे नहीं है, तो हमें अलग अलग तरीके से ही उस कंटेंट को शेयर करना पड़ता है। अगर मान लीजिए वीडियो आपको शेयर करना है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये यूट्यूब का लिंक है तो वीडियो आप यहाँ से सुन लीजिए, ऑडियो का कहीं और पॉडकास्ट से देंगे, डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ शेयर करेंगे या पीपीटी शेयर करेंगे, तो एक डिस्क्रीट सा कंटेंट हमारे पास में मिलता है। लेकिन ईपब में वो क्षमता है कि वो सारा, हर तरह का कंटेंट जो है वो एक ही किताब के अंदर हमारा कंटेंट आ सकता है, और हम वहीं पे ही वीडियो भी देख सकते हैं और वहीं पे हम पढ़ भी सकते हैं। फिर हमारे पास में इमेज टाइप का कंटेंट है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हमारी किताबों में भी इमेजेस होती हैं, हम कई बार खुद भी जो है वो इमेज ग्राफिक ड्रा करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर। लेकिन इमेज और डॉक्यूमेंट जो है वो, जैसे उनका देखने में फर्क है, वैसे उनका फाइल एक्सटेंशन में भी फर्क होता है। अब इसमें बायोलॉजी में स्पेशली मैं बात करूंगा, तो अब मान लीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि एक इमेज, इमेज तो बहुत सारी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज है, आप इंटरनेट से भी आपको मिल जाएंगी, और रिपोजिटरी के ऊपर भी हमारी अलग अलग रिपोजिटरी के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ वो इमेज चाहिए जिसमें कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता हो, ओके, ना कि मतलब जैसे रेक्टेंगुलर इमेज और उसके बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे आसपास का वो हिस्सा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं कौन सी इमेज की बात कर रहा हूँ? मैं पीएनजी इमेज की बात कर रहा हूँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। कि आप इंटरनेट से डाइजेस्टिव सिस्टम तो ढूंढें, या और उसके साथ में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डॉट पीएनजी लगाते हैं, तो आपको वही इमेज जो है वो मिलती है। और ऐसे ही इमेज अगर हम अपने वीडियो या पीपीटी में यूज करें, जब बच्चों के साथ शेयर करें, तो ज्यादा अच्छा लगता है।
फिर हो सकता है आप ये चाहती हो कि नहीं वो इमेज ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चा स्ट्रेच करके भी उसको देखे तो पेनक्रियाज भी अच्छे से अंदर से दिख जाना चाहिए, है ना, तो वो पिक्सलेट ना हो। तो इसका मतलब है कि मैं जो इमेज ढूंढ रही हूँ वो हमारा SVG है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, कि उसको हम कितना भी स्ट्रेच करते हैं मैक्सिमम तक उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं और वो पिक्सलेट नहीं होता है। और ऐसी इमेजेस बेसिकली बायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल होती हैं कि आप एक इमेज में आपको अलग अलग ऑर्गन्स का इमेज देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास SVG है तो उसको जूम करके जो है बच्चा आराम से देख सकता है और आप भी उसको आराम से क्लास में देख के पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें .SVG फाइल वाली इमेज हमें चाहिए। फिर हम बात करें ऑडियो की, तो ऑडियो में भी डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट है। अब जैसे NCERT का ही आप कंटेंट देखें तो ऑलमोस्ट सारी किताबें जो है वो ऑडियो में डेजी फाइल में कन्वर्ट है और काफी सारे चैनल्स, कम्युनिटी रेडियो चैनल और CIT का अपना भी इंटरनेट रेडियो है, उसके थ्रू ये डिसेमिनेट होता रहता है। और इसमें हम बात करें फाइल एक्सटेंशन की, तो .MP3 इज द हाईली एक्सेप्टेबल फाइल फॉर्मेट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम उसे जो है बहुत सारे पोर्टल के ऊपर वो एक्सेप्टेबल होता है और इसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। फिर हमारे पास में वीडियो टाइप का कंटेंट है। अब वीडियो में हम बात करें तो दैट माइट बी द मिक्सचर, कि जैसे हम इमेजेस यूज करके भी वीडियो बना लेते हैं, जहाँ हम डायरेक्टली बहुत सारा वीडियो हम जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, हमें अच्छे से पता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कहें तो वीडियो ही सबसे नंबर वन कंटेंट जो है वो इस समय माना जाता है ना। जैसे डीटी बाकी जगह पे तो ज्यादातर कंटेंट हमें वीडियो ही देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो टेक्निकली बाकियों की से कैसे अलग है, क्योंकि इसका फाइल एक्सटेंशन जो है वो अलग होता है। तो फाइल एक्सटेंशंस बेसिकली हमें हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि वो कंटेंट कौन सा है और उसको चलाने के लिए हमें कौन सा कंटेनर चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए आपके फोन में या आपके लैपटॉप में जो भी आप यूज करते हैं उसमें आपको पता है कि एक वीडियो फाइल, एक जो है वो ये 300 MB की वीडियो फाइल पड़ी है, लेकिन उसको रन करने के लिए अब BLC नहीं है, जब कोई और मीडिया प्लेयर नहीं है तो PPT के ऊपर तो वो रन होगा नहीं, क्योंकि PPT उसको फाइल एक्सटेंशन को रीड नहीं करता, इसमें से किसी भी फाइल एक्सटेंशन को वो रीड नहीं करता, है ना। तो ये कंटेंट हमारा, इसलिए ये सारी फाइल एक्सटेंशन और कंटेंट जो है वो हमें इस केस में हेल्पफुल होती है कि हम अगर कंटेंट तो हम ले रहे हैं लेकिन वो कंटेंट को हम चलाएंगे कैसे। फिर इंटरेक्टिव टाइप का कंटेंट है जिसमें कि टेक्निकल इंट्रैक्शन उसमें पॉसिबल है कि आप एक्शन एंड रिएक्शन होता है कि अब जैसे मैं इसको स्क्रीन को टच करूं तो आगे स्क्रीन जो है वो बदलनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से इसका फाइल एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है। क्योंकि तो जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो आपने यूज किया, मैंने कहा कि वीडियो आप बना सकते हैं कि जैसे आपने इमेज और ऑडियो को मिक्स किया, मतलब इमेज का अपना करेक्टरिस्टिक था और ऑडियो का अपना करेक्टरिस्टिक था, आपने उसका .MP4 फाइल वीडियो में बना दिया, दोनों के करेक्टरिस्टिक खत्म हो गए, तो वीडियो का करेक्टरिस्टिक उसमें जिंदा रहा। लेकिन जो इंटरेक्टिव कंटेंट होता है उसमें हर फाइल का करेक्टरिस्टिक जो है वो लाइव होता है। अगर वो इमेज है तो इट बिहेव्स लाइक एन इमेज, अगर ऑडियो वहां पे लगा रखा है तो इट बिहेव्स लाइक एन ऑडियो, अगर वीडियो लगा रखा है इट बिहेव्स लाइक एन वीडियो। सो इट मीन्स कि वो सबका जो अपना करेक्टरिस्टिक्स है वो वहां पे लाइव है और इसी के लिए वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है और उसी सॉफ्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चलाना चाहिए। जैसे H5P है जहाँ जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल कि इस टाइप का कंटेंट जो है वो मोस्टली इंटरेक्टिव कंटेंट हम बना सकते हैं। फिर हम आते हैं इमर्सिव टाइप ऑफ कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और इमर्सिव में भी हमारे पास में जो है वो तीन तरह का कंटेंट है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी टाइप ऑफ कंटेंट की हम बात करें तो। लेकिन तीनों के पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको देखने का तरीका और उसको समझने का तरीका तीनों ही जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपने बाकी कंटेंट तो आपने ट्राई किए होंगे कि इमेज अगर हम बच्चे को दिखाते हैं तो कितना इम्प्रेशन है। अगर हम मैं ऐसे ही कहानी सुनाता हूँ है ना, मान लीजिए किसी टाइगर की, तो क्या बच्चे को अगर मैं इमेज दिखाऊंगा तो उसको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि नहीं देखो ये टाइगर ऐसा दिखता है, ठीक। अगर आप वीडियोस को दिखाते हैं तो उसको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि देखो टाइगर कितना
मूवमेंट जो है वो कैसी है। कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रॉब्लम प्लीज अपना थोड़ा सा माइक जो है ना उसको प्लीज आप थोड़ा ऑफ रखिए, माइक को थोड़ा ऑफ कर लीजिए, ठीक है? तो तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि इस कंटेंट से क्या फर्क पड़ता है। कंटेंट से ये फर्क पड़ता है कि मैं टाइगर का ही सिंपल एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए बायोलॉजी में आप बच्चों को जो है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप उसको ऐसे स्टोरी सुनाते हैं कि टाइगर जो है वो ऐसे घुर्राता है, ठीक, या फिर आप उसको एक इमेज दिखाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा और फैसिनेट होता है कि देखो उसका इमेज जो है ये टाइगर ऐसा दिखता है। और हो सकता है आपके पास में एक वीडियो आप उसको दिखाना चाहेंगे कि देखो टाइगर का मूवमेंट कैसा है, ये शिकार कैसे करता है, कैसे चलता है, तो बच्चों को और थोड़ा उसमें जानने में थोड़ी रुचि होगी, ठीक। लेकिन अगमेंटेड रियलिटी की हम बात करें तो वो टाइगर जो है वो आपके ही एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाता है और वो अगमेंटेड रियलिटी में माने तो आपकी ही क्लास में वो आ जाता है, ठीक है? तो अगर बच्चों के सामने ही वो टाइगर उनको दिख रहा है तो उनको थोड़ा और भी अच्छा उनको लगेगा, हालांकि वो बिल्कुल रियल तो नहीं है, बट दिस इज एन व्हाट वी कॉल एन ऑगमेंटेड रियलिटी, कि आप कोई कंटेंट जो है उसको पढ़ा रहे हैं और विद द सॉफ्टवेयर 3D सिमुलेशंस उस कंटेंट को ऑगमेंट करके बच्चों के एनवायरनमेंट, उसी क्लासरूम के एनवायरनमेंट, उसी आपके अपने एनवायरनमेंट में उसका हिस्सा जो है वो हम बना देते हैं, तो उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो कहते हैं। तो अगर हम इसका कंटेंट भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। फिर वर्चुअल रियलिटी क्या है कि जो चीजें जो वर्चुअली अवेलेबल हैं, कि मतलब चाहे वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं भी करती हैं, जैसे मान लो कि ताजमहल है या कुछ और चीजें हैं, जब जंगल की सफारी आपको करनी है, लेकिन जब आप उस चीज को थ्रू प्रॉपर गैजेट, जिसको कि हम हेड माउंटेड डिवाइसेस बोलते हैं HMD, उसके थ्रू आप देखते हैं तो हमें लगता है कि वो रियलिटी में हमें दिख रही है, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। इसमें आप कंटेंट का हिस्सा बन जाते हो। एंड देन मिक्स्ड रियलिटी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जो है वो कंटेंट की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा सा देखते भी हैं और उनको समझने की कोशिश भी हम लोग जो है वो करते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली में अब जब हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, एक ही तरह का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, एक ही तरह का कंटेंट हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अब डिफरेंस क्या है कि हमारी डिवाइसेस में हमारा डिफरेंस जो है वो रहता है। कभी कभी हमें कुछ चीजें जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छी मिलती हैं, कुछ हम कहें कि वो एंड्रॉयड के लिए अच्छी मिलती हैं, कुछ हम कहें तो आईपैड के लिए अच्छी मिलती हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो चीज यहाँ से भी फ्री में वो मिल रही हो हम उसे जो है वो वहां से ले लें, ठीक है? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम टाइगर की ही बात कर रहे थे कि टाइगर को अगर हम अब देखते हैं कि आप उसको ऑगमेंटेड रियलिटी से दिखाते हैं तो वो कैसे बाहर आता है, तो और उसका क्या डिफरेंस है अगर हम एक इमेज दिखाएं या फिर हम एक वीडियो दिखाएं या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का कंटेंट दिखाएं, तो आप अपने फोन में ब्राउजर में ऐसे टाइगर आप डाल सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगा, जो जिनका iOS है ये उस पर काम नहीं करेगा, ठीक? तो यहाँ पे नीचे 3D लिखा है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टाइगर आपका जो है वो 3D में हमें दिख जाएगा, ठीक है? अब यहाँ उसके नीचे लिखा है बी इन योर स्पेस, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑगमेंटेड रियलिटी का रूल है कि इट यूजेस योर कैमरा, तो आपके फोन का कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और आपको सरफेस जो नीचे का सरफेस है वो आपको स्कैन करना होगा, लेकिन वो नॉन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे मेरे यहाँ पे सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है क्योंकि मार्बल से लगा हुआ है, टाइल्स है ना, लेकिन मैंने नीचे एक मैट बिछा रखा है तो वो रिफ्लेक्शन को कम कर देगा, तो हम इसको देखते हैं तो स्कैन तो हो गया।
अब देखेंगे कि टाइगर यहाँ पे सीधा अलमीरा के साथ में, यहाँ पे टाइगर जो है वो हमें दिख रहा है सीधा मैट के ऊपर, यहाँ पे टाइगर है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब, हालांकि ये असली टाइगर तो नहीं है, बट इट्स अ वेरी रियलिस्टिक टाइगर। सो इसको आप अपने हाथ से स्क्रीन को कैसे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को आप कैसे भी करके उसको लगा सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये इतना रियलिस्टिक लगता है इसकी मूवमेंट के हिसाब से, कि आप ये अगर फोटो में हम देखें, इस वीडियो में जैसे आपको फीट दिख रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। ऐसे लगता है कि नहीं, टाइगर यहीं पे ही खड़ा था। ठीक है, तो इसलिए ये कंटेंट जो है इट्स वेरी रियलिस्टिक कंटेंट। और यही हमारा फर्क है कि आप देखिए, अगर आप इमेज दिखाते हैं या एक वीडियो दिखाते हैं या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का कंटेंट दिखाते हैं, तो उसमें कितना फर्क हमें देखने में मिलता है। और एज ए टीचर यू आर द बेस्ट जज कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी, अगर कंटेंट अवेलेबल है तो कौन सा टेक्नोलॉजी टूल जो है वो यूज करेंगे आप अपने बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी। और इसमें हमें कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, कहीं पे आपको 3D मॉडल उसका दिख जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3D मॉडल डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके ऊपर तो ये एक 3D मॉडल है जिसको आप अपने हाथ से कहीं भी घुमा सकते हैं, इधर उसको जूम इन जूम आउट आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब व्यू इन योर स्पेस, इसका वही बात है कि जब हम व्यू इन योर स्पेस कहेंगे तो ये आपको कैमरा ओपन होगा और आपको सरफेस नीचे वाला जो है वो आपको स्कैन करना होगा। सो व्यू इन योर स्पेस पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा स्कैन करते हैं, देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे ये हमारा मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ ठीक बिल्कुल अलमीरा के पास में ये पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब दिस इज द ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसको आप जहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने हाथ से, ओके, सो आप आराम से उसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी साइड में। लेट मी सी, सॉरी, ओके, तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके लेवल्स यहाँ सामने, इसके लेवल्स जो है वो लगे हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली लेवल भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लीजिए अगर आप बच्चे को क्लास में यहीं पे खड़ा करते हैं, एक बच्चे को सामने, है ना, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही आ जाएगा। और आप मतलब बाकी बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसी के ऊपर वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिट किया हुआ है। दैट्स योर क्रिएटिविटी, आप क्लासेस में किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी जो है वो आप कर सकते हैं। बट ऑल दिस कंटेंट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू डोंट नीड टू, आपको कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। इट्स क्वाइट अ सिंपल कंटेंट जो कि अवेलेबल है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है जिसके लिए ना तो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई हाई फाई फोन। जो भी आपका एंड्रॉयड डिवाइस है आप उसको सीधा ये कंटेंट सर्च करेंगे और यहाँ पे भी 3D मॉडल उसका लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे एंड देन इट वर्क एज एन ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, कोई और सिस्टम देखते हैं कि अगर अवेलेबल है तो, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्क्रोल करेंगे, हाँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी 3D मॉडल यहाँ पे है। सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन व्यू इन योर स्पेस और उसको आप करेंगे एंड देन यू नीड टू स्कैन द सरफेस एरिया। सरफेस में आपका जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए,
और उसको ये लगना चाहिए कि ये सरफेस है वाकई. तो इट मस्ट बी हियर सरफेस. यस, सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव दिस डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर हियर. आई एम अनेबल टू सी दैट वन. Okay, so anyway, you try it by using your mobile phone and then see the difference is. As I said, जैसे मैंने कहा है कि वो आपका उसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको स्कैन करना है. और नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि जस्ट वेट. ओके, सो नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि जहां से आपको रिफ्लेक्शन जो है वो ना ना हो रहा हो उसका. ठीक है, क्योंकि आपके फोन में बेसिकली कुछ सेंसर्स होते हैं. जैसे नॉन रिफ्लेक्टिंग की बात की है तो इसमें लाइट एम्बिएंट सेंसर्स होते हैं जिनको पता है कि ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं है. अगर हमने कहा है कि उसको सरफेस स्कैन करना है तो इसमें एक्सेलरोमीटर होता है, उसको आपके फोन का ओरिएंटेशन उसको पता होता है कि किस ओरिएंटेशन में आपका फोन जो है वो अभी ऐसे है कि ऐसे है. ठीक है, अकॉर्डिंगली वो सेंसर्स जो है वो रीड करते हैं डेटा और उनको पता होता है कि ये इसमें है. और आप कहेंगे कि ये लैपटॉप में, तो लैपटॉप में क्योंकि ये ऐप है तो नहीं खुलेंगी, है ना, क्योंकि इसका डॉट एपीके फाइल एक्सटेंशन उसका होता है ऐप का जो सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलती है, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं. लेकिन इसमें हो सकता है कि कभी कभी आपको कोई ट्रबल शूट इसमें मिले, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ट्रबल शूट में क्या बेसिक प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती है. ठीक है, तो उसके लिए वो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका फोन जो है वो उसके लिए कंपैटिबल है कि नहीं है. तो आप सिंपली गूगल में जाके तो ए आर कोर डिवाइसेस इस पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ए आर कोर डिवाइसेस जो हैं वो मॉडल यहाँ पे पड़े होंगे. तो यहाँ पे आके आप अपना फोन जो है उसको सर्च कर सकते हैं कि आपका फोन इसमें है कि उसका नाम है कि नहीं है. और नाम के साथ साथ में यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना सपोर्ट्स डेप्थ एपीआई, इट मीन्स ये फोन काम करते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब है कि वो फोन जो है वो काम नहीं करते हैं इसके साथ में. ठीक है, और कुछ आईफोन भी कंपैटिबल है लेकिन अभी जैसे 14 और 15 को आप सर्च करेंगे तो वो इसमें कंपैटिबल जो है वो नहीं होगा. ठीक है, तो लेकिन आपको कभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप उसमें हैंड रेज कर सकते हैं. सो सीआईटी टीम इज हेयर, सो देन अकॉर्डिंगली वो क्वेरीज और जो भी आपका कुछ ट्रबल शूट है वो हम ले सकते हैं साथ साथ में. ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ. इसमें टेक्नोलॉजी का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उपयोग उसमें कब आता है, जब ऐसी चीजें जो हम अभी रियल लाइफ में ना कर पाए, है ना. अब जैसे सिंपल सी बात है कि उसका फ्रॉग का डाइसेक्शन, है ना, अभी पूरी तरह से बैन है बायोलॉजी में. आप फ्रॉग को डाइसेक्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही बैन है. लेकिन बच्चों को थोड़ा तो उसका नॉलेज होना चाहिए कि हाँ किसी को मेडिकल, क्योंकि एज ए टीचर आपको पता है जब हम भी स्टूडेंट से, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कभी भी फ्रॉक को हाथ तक नहीं लगाते थे, है ना. तो लेकिन उन लोगों को भी एमबीबीएस बनना होता है तो उस तरीके से अब तो फ्रॉक है ही नहीं, तो फिर बिना फ्रॉक को हाथ लगाए आप कैसे मतलब को डाइसेक्शन जो है वो करेंगे. तो उसके लिए हमें कैप जो है वो यूज करते हैं. ये एडमेंटम, ये फ्री है. ठीक है, और ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलता है, आईओएस के ऊपर भी और आपका एंड्रॉयड के ऊपर भी. और इसमें दो तीन तरह का एक्सपेरिमेंट इसमें अवेलेबल है, जैसे क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स है. किसी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, सारे तो इसमें नहीं है बट कुछ को कर सकते हैं. एंड देन वी हैव दिस फ्रॉग का डाइसेक्शन है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये फ्री है और दोनों प्लेटफॉर्म पे ये चलता है. तो इसको करने के लिए एक मिनट है, मैं अपना थोड़ा सा कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे ये टैब ही यूज करना है.
ओके सो अभी हम देखेंगे कि ये फ्रॉक को आप कितने अच्छे से आप उसको जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, डाइसेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगमेंटेड रियलिटी है तो ऑब्वियसली इसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। तो स्टार्ट द एक्टिविटी, हम क्या चाहते हैं, एक्सटर्नल एनाटॉमी के इंटरनल एनाटॉमी। तो हम चलिए हम डायरेक्ट जो है वो इंटरनल एनाटॉमी के ऊपर ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि वाई लुकिंग एट स्क्रीन पॉइंट योर कैमरा एट ए फ्लैट सरफेस, ठीक है, इसको भी फ्लैट सरफेस जो है वो चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको हम फ्लैट सरफेस जो है वो इसको दे देते हैं यहाँ पे। ओके सो अभी आप देखेंगे कि हमारा ट्रे जो है वो एग्जैक्टली हमारा ट्रे पूरा का पूरा यहाँ पे सज चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे हम लैब में ही उसको हमने उसके ऊपर रख लिया है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं और फ्राग जो है वो डाइसेक्शन ट्रे में पड़ा हुआ है, और थर्ड पार्ट पे जो भी ऑर्गन्स हम डाइस्ट करेंगे वो हम यहाँ पे निकाल के रखेंगे। इसमें वॉइस ओवर भी है और लिखा हुआ भी है ना, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टूल फ्रॉम द ट्रे टू परफॉर्म ईच डाइसेक्शन स्टेप। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमें पाथवे बनाना है कि काटना कहाँ कहाँ से है। तो उसको करने के लिए हम मार्कर का सहारा लेंगे। तो मैं मार्कर के ऊपर क्लिक करूंगा और मार्कर जो है वो वहां पे लगा देगा कि आपको फ्रॉग को काटने के लिए कहाँ कहाँ से काटना है, वो मार्क उस पे लगा देगा, ठीक है। अब कहता है कि डीप इंसिजन्स हमें लगाना है। तो पहला डीप इंसिजन हमको पता है कि हम उस तरह से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें उसकी स्किन के फ्लैप जो है वो साइड में करते हैं। तो मैं फोर तक के ऊपर क्लिक करूंगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आप देखते हैं कि पूरा का पूरा डाइसेक्शन जो है वो हमने फिनिश कर लिया। अब डाइसेक्शन को जो बैन हुआ है फ्रॉग का, उसके पीछे जो वजह मानी जाती है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे फ्रॉग्स जो हैं बिना हम ये जाने कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमने उसको डाइसेक्ट कर दिया, उसको मार दिया। और तब
ऐसी टेक्निक्स हमारे पास में नहीं थी एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स अगर हमारे पास में होती हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि नहीं, कि कम से कम हम ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो वर्चुअली कर लें ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ में, और फिर बच्चे को एक फ्रॉग दें, तो हमारे मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रॉग हम लोग जो है उनको मारने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। बट एनीवे अभी नहीं है जो है वो है, तो उन इस केस में ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, और ये भी एक ऐप जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम वापिस आते हैं दोबारा से, एक और जो हमारा एनसीईआरटी का अपना एक ऐप है ऑगमेंटेड रियलिटी का, उसमें भी कुछ कंटेंट जो है वो बना हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बस थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट। तो ये ऐप जो है ये सारे प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और आईएएस के ऊपर भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास फोन है अकॉर्डिंगली वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। सो यस वेट। सो एनसीईआरटी का जो ऑगमेंटेड रियलिटी का ऐप है पीएमई विद्या, वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, अब देखिए, हाँ और उसको भी आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। किसको हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? किसको डाउनलोड किया सर? एक्चुअली फॉर सम रीजन मैं थोड़ी देर के लिए डीलिंक हो गई थी, तो अच्छा, नहीं किस मैम, अभी किसी को डाउनलोड नहीं किया है, और हाँ अभी आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये सारे लिंक जो है वो हम हमारा जो ये जो पीपीटी था उसमें लिंक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप वो शेयर क्लियरली करेंगे मिल ना हमसे ये जाएगा। पीपीटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सीआईटी में ओके पीपीटी चला जाएगा, तो वो आपको ट्रेनिंग के बाद सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू अभी वेरी बस जो डाउनलोड नहीं करना था, जैसे वो टाइगर वाला था, डायस्टी सिस्टम वाला था, वो आप ट्राई करना चाहती हैं तो वो आप कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारा टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगता है उस केस में। कौन से कहाँ से करना होता है सर? नहीं, उसमें कुछ करना नहीं था, आपको मेरा फोन दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। तो बस इसमें जैसे अभी ये क्या मैंने टाइप किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको मेरा फोन दिख रहा है अभी? स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है पूरा। हाँ, अब हाँ, दिख रहा है, तो हाँ, यस अब नहीं दिख नहीं रहा पर है, अभी फोन नहीं, अभी फोन तो नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रुकिए, दिख तो रहा है। अभी दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक मिनट बस। देख रहा है सर आपका? अब नहीं दिख रहा, अभी तक दिख रहा था। नहीं, एक मिनट मैम, कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हाँ आप देखें तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने इस पे टाइप किया गूगल क्रोम में जाके, सिंपल, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कहीं लिखा होगा 3D, तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है 3D, इसके ऊपर व्यू अच्छा, इन 3D में करेंगे तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये 3D में हमारे पास में आ जाएगा। आप इसको अपने हाथ से जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इसके नीचे लिखा है व्यू इन योर स्पेस, जब ये क्लिक करेंगे तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑगमेंटेड ओके रियलिटी का मतलब है कि जैसे ही मैं इसको
और करूंगा तो मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा फोन का, और मुझे सरफेस स्कैन करना है इस कंटेंट को कहीं रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम करेंगे स्कैन, तो कंटेंट जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपिरेटरी सिस्टम जो है वो सामने आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि मेरा फर्श बहुत ज्यादा वो चमकीला है ना, तो इसलिए मैंने मैट वहां पे रखा हुआ है कि ज्यादा रिफ्लेक्शन ना हो और फोन आराम से उसको स्कैन कर पाए। और जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम सामने आपके क्लासरूम के अंदर, जहाँ आपके घर के अंदर ही एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वहां पे आ जाएगा। ठीक, इसको आप अपने हाथ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसके लेवल्स वहां पे लगे हुए हैं ना। तो हमारा कहने का ये मकसद है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ऑगमेंटेड रियलिटी, और हम जो आप जैसे हमने सारे कंटेंट के बारे में पहले थोड़ा सा जाना, अब एक बच्चे को इमेज दिखाना और वीडियो दिखाना और ऑगमेंटेड रियलिटी का कंटेंट दिखाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, इसमें किडनीज जो है वो एकदम रियलिस्टिक आपको दिखती हैं, आप इसको जूम करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो कंटेंट जो है वो आपको दिख जाता है, और आप इसको अपने स्क्रीन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इज ऑगमेंटेड रियलिटी। और इतना काम करने के लिए आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, ये मैं कह रहा था। तो कंटेंट आप सिंपल कंटेंट आप सर्च करिए और आपको कंटेंट जो है वो वहां पे दिख जाएगा, और उस कंटेंट को आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। अब जैसे अभी मैं भी डिस्प्ले ही कर रहा हूँ आपको, तो आप ऐसे ही अपने जो व्हाइट बोर्ड है या प्रोजेक्टर है तो वहां पे आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो साथ में कर सकते हैं, और कोई किसी का कुछ ट्रबल शूट है तो वो बात आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जैसे एनसीआरटी का अगमेंटेड रियलिटी का ऐप है, पीएमई विद्या। ठीक है, उसमें भी बायोलॉजी का बहुत सारा कंटेंट जो है वो इसमें अवेलेबल है, और ये ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और इसमें आप चूज कर सकते हैं क्लास 9th या 10th को। आप प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अब प्लीज आपको ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फोन हमेशा म्यूट रहना चाहिए। ठीक है, मेरी तो ऐसी आदत है कि अगर मुझे 10 बार भी मीटिंग रूम में जाना पड़े तो 10 बार मेरा फोन जो है वो म्यूट पे जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बुरी आदत नहीं है। एनीवे, तो आप इसमें साइंस चूज कर सकते हैं, और देन चैप्टर क्लास 10 में जो भी चैप्टर है, तो बायोलॉजी का इसमें जैसे लाइफ प्रोसेस का ही इसमें चैप्टर अवेलेबल है, एंड देन टॉपिक इसमें ये 3-4 टॉपिक इसमें जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि मेरे पास इसमें कौन सा पीडीएफ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, ये अलग है पीडीएफ का सिस्टम, कोई बात नहीं, हम उसी को यूज करेंगे। तो लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको वो एनसीईआरटी की बुक आपके पास में होनी चाहिए, फिर वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो। ठीक है, वो कोई भी बुक जो है वर्षन उसका आपके पास में हो सकता है, तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे डाइसी सिस्टम ही आपको दिखाना है, तो इसमें मुझे वो डाइसी सिस्टम का इमेज जो है वो चाहिए। ठीक, अब मैं देखिए मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, और मैंने दूसरे अपने लैपटॉप के ऊपर डाइसी सिस्टम का इमेज जो है वो ओपन करके रखा है। जैसे ही उसको हम स्कैन करेंगे तो वो डाइसी सिस्टम जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, और वन टाइम आपको इसको स्कैन करना होता है, वापिस करेंगे तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। इसके पीछे एआर कैमरा लगा है, उसको क्लिक करेंगे तो पीछे का हिंड्रेंस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, फिर आप ये सिमुलेशन जो है इसको आप सीमलेसली आप इसको दिखा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस को हाइड कर सकते हैं। इसमें दो मेन्यूज दिए हुए हैं कि आप एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहते हैं या एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में आप लोग जो है वो जानना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली वो एलिमेंट्री उसके कनाल बारे में और बताना शुरू कर देगा। द एलिमेंट्री कनाल इज द लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच द फूड दैट वी ईट पास इट बिगिंस एट द माउथ पासस थ्रू द ओसोफेगस और फूड पाइप स्टमक
stomach, small intestine. और नीचे digestive digestion process है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा digestion process जो है उसको आप यहीं पे perform आप कर सकते हैं. In the human body, click on any button from the side panel to see. ठीक है, साइड पे जो पैनल है उसको आप क्लिक करेंगे, जिस प्रोसेस के ऊपर वही प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाएगा. जैसे इंजेक्शन है तो इंजेक्शन आप देख सकते हैं, उसको पूरा घुमा के आप 360 में आप उसको देख सकते हैं कि किस किस साइड से जो है वो इंजेक्शन जो है वो होता है. और जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड का पोजीशन की हम बात करें, ठीक है, तो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो उनको आप देख सकते हैं. Then you can see the peristaltic movement. Peristaltic movement. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or oesophagus. The lining of secretion. The stomach is a large organ with digestion. The process of converting complex food particles into तो वन बाय वन आप पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं. और एज मतलब बच्चे को थोड़ा और अच्छे से उसको जो है वो समझ में आ सकता है, रादर देन टू शोइंग वन वन इमेजेस. और इमेजेस में भी हम उनको जो है वो सिर्फ एक साइड का इमेजेस हम बच्चों को दिखा सकते हैं. ठीक है, अब जैसे बच्चों को हम इमेजेस दिखाते हैं तो हम किसी एक साइड का इमेज उनको दिखा सकते हैं कि मतलब उनको फ्रंट दिखा दिया, उनको बैक दिखा दिया. यू रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है, लेकिन जब हम अगर हम इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में अगर हम कंटेंट दिखाते हैं तो हम कंटेंट को किसी भी तरीके से 360 में उसको घुमा के आगे पीछे से किसी भी तरफ से उसको हम दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, कुछ और टूल्स को हम देखते हैं, एप्स और टूल्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं अलग अलग सिस्टम के लिए, फिर वो चाहे iOS के लिए हो या आपके एंड्रॉयड वर्जन के लिए हो. तो और जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप अपना हैंड जो है उसको रेज कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व हम लोग कर सकें. ओके, देन एक बहुत अच्छा ये टूल है बिल्ड अ बॉडी. ठीक है, आप जितना फ्री है उतना हम यूज कर सकते हैं, है ना. तो इसमें क्या है कि आप एक्सरसाइजेस के थ्रू बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, और ये काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल है. सो लेट्स ट्राई, है ना, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है और अब हमें इस बॉडी को बिल्ड करना है. और इसमें उसने डाइजेस्टिव सिस्टम हमें सेट करने के लिए दिया है. ठीक, और डाइजेस्टिव सिस्टम का उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया है और उसको भी हम देख सकते हैं. देन नीचे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं जिनको यूज करके हमें ये जो है वो बनाना है. ठीक, तो इन बॉडी पार्ट को अगर मैं देखूं तो इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड लीवर. ओके, सो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, तो लेट यूज दिस इसोफेगस. इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा. ठीक है, और यहाँ पे इसोफेगस हम लगा देंगे हम ऐसे करके, मतलब बच्चों का टेस्ट भी जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक, इसोफेगस के साथ में मैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको लगा देता हूँ. ठीक, फिर उसके बाद मैं लार्ज इंटेस्टाइन को लगा देता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद चलिए मैं स्टोमक को लगाता हूँ दोनों के बीच में. ठीक है, अब स्टोमक को लगा दिया है तो मैं लीवर को सेट करता हूँ. ठीक, लीवर के बाद मैं गॉल ब्लैडर को सिलेक्ट करता हूँ, और गॉल ब्लैडर के बाद मैं पेनक्रियास को लगा देता हूँ. ठीक, पेनक्रियास के बाद मैं बाइल डक्ट को भी लगा देता हूँ. ठीक है, फिर अपेंडिक्स है उसको मैं लगा देता हूँ. ठीक, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमने
सेट कर दिया है, और जिस भी ऑर्गन को हम अटैच करने की कोशिश करते हैं, जिस भी पार्ट को, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सामने जो है वो इसमें आ जाता है। और ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारी उसको हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉर्न, सॉरी क्योंकि अभी इसमें सिर्फ इसके हिसाब से बस दो ही फ्री हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक, और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, बट एनीवे जो भी फ्री पार्ट है वो हमें यूज करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली बच्चे को हम इसमें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप करे और उसके बाद में उसको कर सकते हैं। फिर हमारे पास में हम आते हैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, ठीक है। सो अब वर्चुअल रियलिटी के लिए हमें थोड़े से सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि वीआर बॉक्स हमारे पास में होना चाहिए उसको देखने के लिए, तो वो कंटेंट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ। तो और ये फ्री कंटेंट है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको डिवाइस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उसमें वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस जो है वो आपको चाहिए, तो अगर वो आपके पास में है तो कंटेंट तो फ्रीली आपके मोबाइल में अवेलेबल है, तो उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं कंटेंट को, तो लेट इट मिररिंग, थोड़ा जल्दी से हो जाता है, तो देन वी विल सी दैट कि वर्चुअल रियलिटी में कंटेंट, बेसिकली वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट जो है वो 360 3D कंटेंट होता है, जिसको अगर आप कभी CIT में आए हों, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा, है ना, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर बना हुआ है वहां पे वो डिवाइसेस लगी हुई है, ठीक है, मेरे पास में भी यहाँ पे है, पर उनको फिट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैं देखूंगा वो आप इतना मजे से आप नहीं देख पाएंगे, है ना। लेकिन अगला एक्सपेरिमेंट वही है कि अगर मैं उसको जो देखता हूँ वो आप उसको कैसे देख पाते हैं, सो आई एम वेरी क्लोज टू इट, सो सम टाइम डेफिनेटली आई विल बी रिलीजिंग द वीडियोस, बट दैट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सो एनीवे इट्स नॉट बिकॉज हम सिर्फ उसमें वो देखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा वो कर रहा है कि योर डेटा है, एनीवे सो इसमें वर्चुअल रियलिटी की हम बात करें तो उसमें बेसिकली जब हम उस कंटेंट को हेड माउंटेड डिवाइसेस की मदद से हम उसको देखते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि हम पार्ट हैं उस कंटेंट का, ठीक है, तो इसमें ये कुछ पोर्टल्स हैं, बट लेट मी शो यू दस ग्लिम्स ऑफ इट, जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये ऑकुलस का है, ठीक है, हालांकि इसको लगा रखा है, तो इसको जब हम पहनते हैं ऐसे यहाँ पे, तो इट्स अ होल वर्ल्ड और आपको कंटेंट चारों तरफ दिखता है, सो डेफिनेटली यू थिंक दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द कंटेंट, और उसी में ही आप जो है कंटेंट के साथ में आप मिक्स हो जाते हैं एंड यू आर पार्ट ऑफ द कंटेंट, और इसमें बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस है ना वो हमें मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंटेंट, तो वो इसमें अवेलेबल है। फिर इसमें कुछ पोर्टल्स अलग से ये PPT आपको मिल जाएगा जो मैंने क्यूरेट करके रखे हैं, कि सी जो मैंने कहा जो फ्री में है उसको तो हम यूज कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो ये एक पोर्टल है जाइगोट बॉडी, ठीक, सो यहाँ से आप बॉडी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एडल्ट मेल एंड फीमेल, अभी जो है उसी को रखते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा वो टाइम लेगा इंटरनेट में उसको बॉडी को सेट करने में, ठीक। अब यहाँ से ये जो साइड साइड पैनल जो है मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे तो बॉडी जो है वो चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे आप उसको ड्रैग करते जाएंगे वो ऑर्गन की जो परतें हैं वो अपने आप यहाँ पे जो है वो खुलते जाएंगे, देखिए साइड पे जो ड्रैग स्लाइडर है मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी परतें जो है वो
खुलती जाती है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड पोर्टल। यहाँ पे कंटेंट को आप अपने हाथों से या माउथ से, प्लीज निधि मैम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा म्यूट रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स वेरी इंटरेक्टिव, आप उसको अपने हाथों से जूम इन जूम आउट जो है वो आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली माउस से आप उसको जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सो यू कैन जूम दिस पार्ट, ओके। और किसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये कौन सा ऑर्गन है या उसका कौन सा पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज अ रियली वेरी गुड पोर्टल ना, इट्स अ जायगोट बॉडी, बिकॉज द बात यह है कि सिर्फ एक इमेज जो किताब के ऊपर दी हुई है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको वो दिखाने से आप उसमें इंटरेक्टिविटी लाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और वो भी थोड़ी थोड़ी ब्लर होती है। लेकिन अगर आप ऐसे पोर्टल्स या ऐसा कंटेंट अपने फोन पे या कैसे भी आप यूज करते हैं सो डेफिनेटली बच्चे जो है वो बहुत फैसिनेट इसके बारे में होते हैं और उस कंटेंट को अच्छे से जो है उनको समझने में मदद जो है वो मिलती है ना। और जो कंटेंट फ्री है मेरे हिसाब से तो उस कंटेंट को हमें जो है वो अच्छे से यूज करना चाहिए। फिर इसमें ये फ्रॉग वाला डाइसेक्शन का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मैंने यूज किया वो भी दिया हुआ है। उसके बाद ये नेशनल जियोग्राफिक किड्स के कुछ लाइव इनके वीडियोस यहाँ पे मिल जाते हैं कि जैसे अभी आप किसी पांडा का वीडियो आप देखें, है ना, सो या फिर और भी इनके इनके एक्चुअली में बहुत सारे इनके गेम्स हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप, पजल, एक्शन, मतलब यहीं पे ही आप सारी गेम्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वीडियोस, ओके, और कुछ लाइव इसमें वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, और एनिमल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने क्यूरेट करके रखी हुई है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि इससे इंटरनेट जो है वो भरा पड़ा है, इंफॉर्मेशन आपको पता है बहुत सारी है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक और क्यूरेटेड होनी चाहिए, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर पता नहीं कौन से वीडियो में कौन से पार्ट में उसने क्या बोल दिया है। जब तक आप उस वीडियो को 10 बार नहीं देखेंगे तो आप कंटेंट के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी हैव देयर यू नो पॉलिसी, आपको पता है अच्छे से, आप लोग एनसीईआरटी से ही जुड़े हैं कि 3-tier रिव्यू पॉलिसी उनकी है, तो अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट आता है वो बच्चों को दिखाने के लायक है। ऐसे ही जो पोर्टल क्यूरेटेड जो पोर्टल्स हैं वो आप जो है वो बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कंटेंट अब जैसे मान लो कि यही एलिगेटर्स उनको दिखाने हैं आपको, तो डेफिनेटली ये नेशनल ज्योग्राफिक से अच्छा कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप जो जो पोर्टल है आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ लाइव वीडियो इसमें एक्चुअली इफ आई कैन सी क्विकली, बट एनी वे आई विल शेयर दैट लिंक, देन यू कैन सी दैट वीडियोज, ओके। So it's a live video somewhere they have curated that live video. So इस समय because it's a the video feed coming from the US, so definitely इस समय तो वहाँ पे आती है तो जानवर भी सोए होंगे, but anyway you can try this video, okay. So now then we have this mixed reality. Mixed reality means that both a combination of augmented and virtual reality, and you are inside the simulation and you are actually interacting with that simulation, okay. So I can try I don't know if my headset actually is not charged, otherwise I can show you that how this mixed reality is helping, that you are inside aap ek simulation ke andar hain और आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी एक एक हड्डी के साथ में आप जो है वो आराम से खेल सकते हैं, आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, एंड आपको लगता है कि आप उसी कंटेंट का जो है वो हिस्सा है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपका है सो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड क्वेरीज, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, ट्रबल शूट है तो आप पूछ सकते हैं।
can write your queries in the chat box as well. किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ सर सुन रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कुछ क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना है? आपने कुछ ट्राई किया है? सर वो डिसेक्शन वाले कौन के लिए देखने के लिए क्या टाइप करना था गूगल पे? हाँ, जो डाइसेक्शन वाला है ना, वो एडमेंटम करके ऐप है उसका, ठीक है? तो वो ऐप जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आप ये नहीं, ये वाला ऐप है एडमेंटम, ठीक है? तो एडमेंटम से स्पेलिंग कैसे? हाँ, ADMENTUM, एडमेंटम। इसमें मैं सर काम करता हूँ। हाँ मैं, हाँ बोलिए। सर आप जो नेशनल ज्योग्राफिक किट के बारे में जो बताया वहाँ पे जो फोटोज या वीडियोज है क्या हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, डाउनलोड करने के लिए आप उनका लाइसेंस देखना होगा। हालांकि आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, नॉन मोनेटाइजेशन के हिसाब से कि आप उसका कुछ दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार उसका टर्म एंड कंडीशन देख के तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आप उसको लाइव दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। मैंने वहाँ पे लिंक रखा है एडमेंटम का, तो आप वहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना? बेटर तो यही रहता है कि कंटेंट किसी का हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं सर ऐसा होता है कि कभी कभी हर जगह जो है नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं रहता है तो हम घर से हाँ डाउनलोड करके उसको ले जा सकते हैं उनको प्रोजेक्टर में दिखाने के लिए, उसका आपको पूछ लेते हैं। हाँ नहीं, डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर। ये सर उसको ध्यान रखेंगे सर। हाँ, और एक क्योंकि मतलब देखिए, मैं एक कुछ बातें हमें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अगर कहीं पे डाउनलोड करने की इजाजत है तो इसका मतलब है कि उसका कॉपीराइट हमें अलो करता है कि हम चीज को डाउनलोड कर लें, है ना? वो चाहे कुछ भी हो। अब जैसे यूट्यूब है ना, अभी यूट्यूब के लाइसेंस पे आप जाएंगे, मैंने वो जायकोड बॉडी का भी पेश कर दिया है, तो YouTube के लाइसेंस पे आप जाएंगे तो उसका सीधा कहना है कि आप YouTube से कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन ऐड ऑन करके आप नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर भी होता है डाउनलोड, तो इसका मतलब है कि वो अभी पूरे तरीके से नहीं चाहता है कि वो वीडियो को जो है उस पर रोके। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, जैसे हम वो एक एक्सटेंशन लगाते थे SS की, है ना, सेव टू करके आता था वो एक्सटेंशन, अब वो भी बंद हो चुका है पिछले 2 हफ्तों से। इसका मतलब है कि गूगल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है ना? तो ये चीजें होती, जहां पे आपको लगता है कि चीज डाउनलोड होने के लिए बटन है तो वो उसने कुछ सोच के ही रखा होगा, और अगर बटन नहीं है तो उसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये लिंक जो है वो पेस्ट कर दिए हैं, तो आप वहां से, अगर आपको एक्सेस है चैट में, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो इसमें जो हमने वो वाला कहा था ट्राई करने के लिए ब्राउजर में, तो उसमें बस एक ही चीज का वो है, अगर वो नहीं आपके उसमें कंपैटिबल होगा तो आपके उसमें नहीं खुलेगा, दैट्स इट। और आप अपना फोन जो है वो वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका फोन कंपैटिबल है कि नहीं है, और फ्यूचर में अगर आप नया फोन जो है उसको परचेज करें तो आप वहां पे पहले ही जाके चेक कर सकते हैं कि आपका फोन जो है वो उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। तो अभी हम जो है वो सब लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेन सेशन में, तो जो भी आपका किसी का कोई फीडबैक है वो वहां पे आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वहां पे भी आप लोग जाके वो कर सकते हैं, ठीक है? तो वी हैव 40 सेकेंड्स टू गो, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करिए,
तो आपको अच्छा लगेगा। जी सर, श्योर सर। इवन सर, हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं ना सर, कि वो अपनी फोन पे भी ये सब चीजें एक्सप्लोर बिल्कुल करें। बिल्कुल, हाँ जी सर, थैंक यू।